टेस्टिमोनियल हो तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। बताओ, शुरू से बताओ क्या है। सर, मेरे को ना 1 मंथ से मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कोई पेशेंट नहीं ले रही थी। पर सर, पिछले 4 साल से आपके साथ जैसे जुड़ी हुई हूँ, तो काफी पेशेंट्स को पता चल गया है कि ये ट्रीटमेंट कुछ अलग देती है। तो दिल्ली का एक पेशेंट था जिसकी उम्र है 55 ईयर्स ओल्ड लेडी, और मल्टीपल डिस्क प्रोलैप्स की पेशेंट है वो। सर, बहुत जगह धक्के खा चुकी, कहीं आराम नहीं आया। तो लास्ट में मेरे पास फोन आया किसी के थ्रू कि प्लीज इसको देख लो। तो मैंने कहा मैं इसके पास जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं खुद अभी पेशेंट हूँ, बट इसको ऑनलाइन लूंगी। तो वो मुझे पहले बोले कि ऑनलाइन आप कैसे लोगे। मैंने कहा आप उसके लिए बेफिक्र हो, जैसे आप मेरे को घर पे देखोगे ना, उसी तरह मैं आपको हूँ। सर, मैंने उसको बिल्कुल जैसे आपने सिखाया था, पूरा उसको बिठा कर उसकी फोटो वगैरह ली, मैंने उसको पूरा देखा। उसके बाद मैंने उसको कहा कि ऐसे, मैं बिल्कुल अपने सामने भी बाल्टी रखती थी, उस पे करती थी, फिर उसको दिखाती थी। मुझे जूम आईडी बनानी नहीं आती थी, पीछे से बनवाई, फिर मैंने उसको सेंड किया। वही आपने कहा कि हमारे पास मल्टीपल टास्क आते ना सर, तो बाई चांस वो उस दिन जूम पे नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे आया तो वो जूम आईडी चली नहीं सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉल पे करो। वीडियो कॉल पे करा सर, पर उस लेडी को ये नहीं पता लगने दिया कि मुझे जूम नहीं चलाना आता। तो सर, और फिर उसको जैसे मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह कराई, तो उसकी टेंडिनोइटिस वगैरह उसकी रिलीज करी मैंने। तो वो कहती है पीछे था, आपने पैर को क्यों पकड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करो, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट डे सेकेंड डे था सर, तो सारी मैंने पहले टेंडिनोइटिस को छेड़ा 10 मिनट तक खाली, उसके बाद सारी बैक की एक्सरसाइज ले ली। उस लेडी का ये कहना था कि मैंने बड़े से बड़े फिजियोथेरेपिस्ट से करा लिया, बड़े से बड़े हर एक एक्यूप्रेशर वाले से करा लिया, एक्यूपंचर करा लिया, सब कुछ करा लिया, पर आप जैसी एक्सरसाइज किसी ने नहीं आज तक कराई है। और सर, उसमें फिर उनको पूरा जैसे आपने लाइफ फोर्स एनर्जी, उनका भी यही सवाल, कौन से पत्ते खाने, क्या खाने, इनका सारा रिटर्न में आपको भेज दिया गया, जो मुंह में खाने वाले टेस्ट, यानी हमको टाइम का इतना, मैंने उसमें आप जैसे कॉन्सेप्ट बताते थे ना, मैंने टाइम का बड़ा फेस रखा कि 5 मिनट में बताना है, 5 मिनट में। सर, ये फर्स्ट पेशेंट था। आज सेकंड पेशेंट ऐसे मिला कि यहाँ फंक्शन था सामने, वो लेडी गिर गई, मैं उसने कहा यहाँ लग गई है, तो मैंने हल्का दिया। फिर कहते मेरे नी में ना मिडल में पेन है, तो मुझे लगा इसके ना मसल्स वो हो रहे हैं, बिल्कुल थे ही नहीं सर उसके पैर के मसल। तो मुझे बार बार हो रहा था, पर रिलेशन ऐसा था कि मैं पूछ नहीं पा रही थी कि आपको शुगर है या नहीं है। उसने अपने आप बोल दिया कि मैं शुगर पेशेंट हूँ। फिर उसको मैं खड़ा नहीं कर पा रही थी, मैंने कहा ये नी की पेशेंट है या नहीं है, मुझे अभी कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, और मिडल में पेन बता रही है, कह रही है 2 महीने से पेन है। फिर मैंने उसको थोड़ा करके खड़ा करा, सर वो नी की पेन पेशेंट ही नहीं है, उसको गैप ही नहीं था, कुछ भी नहीं था खड़ा करने। तो सर, जैसे आप बता रहे थे ना, मल्टीपल टास्क आते हैं। फिर बिल्कुल मैंने उसको बोला कि आप हमको इस तरह से एनरोलमेंट करो, हम इस तरह से कर रहे हैं। सर, इस तरह से मुझे रिजल्ट मिले, और मैंने जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल। देखिए, दो बातें तो हो गई कि एक है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, दूसरी बात यह है वर्चुअल क्लिनिक का मतलब समझ में आ गया, और तीसरी बात है कि ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है इसका रियल सेंस तब होता है जब आपके और उनके बीच का फीडबैक और रिजल्ट ट्रांसफर होता है, दोनों एक दूसरे को वॉच कर पाते हैं। तो इस वक्त क्या हो रहा है, फीडबैक वाला जो चीज मिस था ऑनलाइन से, वो चीजें भी आपको समझ में आ गई, और सबसे बड़ा चीज हो गया कि आप दूर बैठे भी काम कर सकते हैं, और सर, उनको बाउंड्री ऑनलाइन मॉक्सा भी भिजवा दिया उनके घर पे कि आप हट ट्रीटमेंट करने के बाद हर रोज इसको 50 मिनट तक लोगे। गया। बिल्कुल वो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी आप लोगों को और बताना बाकी है, लेकिन आपने शुरुआत कर दी, एक अच्छी बात है। और इससे क्या होता है, कमाई भी बढ़ता है, विश्वास भी बढ़ता है, और आपका होम विजिट में जाके भी आप यही काम करते जो वहां पे कर रहे हो, और पेशेंट को ये बताने में भी सफल हो जाते हो कि देखिए, अगर घर पे आके सिखाते आपके 1,000 रुपए हम ले लेते, अगर आप 20 बार मेरे से बात करती हो तो आपके हम 20,000 रुपए बचा रहे। ये वर्ड बहुत मायने रखता है, मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट को
नो डाउट उसके पैसे की बचत हो रही है ना, लेकिन आप लोगों को मैंने बार बार बोला है कि उस मेंटेलिटी से निकल जाइएगा कि पेशेंट का होम विजिट देने से मेरे को 20,000 रुपए की कमाई आता है, एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। आपके पास वो पैसों में कम से कम 10 पेशेंट भेजेगा, याद रखिएगा पूरी दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में आपकी भावना हमेशा तैरते रहती है। आप जैसा अनकंसियस माइंड में विचार लाते हैं प्रकृति उतना आपको लौटा देती है। तो आपकी सफलता और असफलता के लिए आपके विचार और आपके कदम ही जिम्मेदार हैं, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। कभी भी प्राय मैंने बोलते हुए सुना है अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट को कि सर 10,000 का पेशेंट है, सर 20,000 का पेशेंट है, सर इनके घर में जाते तो फायदा होता है, सर अभी आप तो ऑनलाइन सिखा दिए, 1,200 रुपए में क्या होता है 1 महीने में। तो ये सारे जो विचार है ना, इससे निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं कि आप कर क्या रहे हो। हीलर हो तो हीलर जैसा काम, लेकिन आपने शुरुआत कर दी तो कम से कम आपको तो बधाई बनती है। तो चलिए इनकी इनको बधाई दिया जाए। और बहुत अच्छा ठुकराल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठुकराल जी ने भी कुछ बोलने के लिए हाथ खड़ा किया, तो चलिए ठुकराल जी को भी ले लेते हैं, इसी वीडियो में ले लेते हैं। चलिए ठुकराल जी माइक खोलिए और बोलिए। नीता ठकराल दिल्ली से, माइक खोलना होगा आपको। हाँ यस सर, हाँ मैंने बोलिए। ना एक दिन रजनी जी के साथ जो पहले डेमो दी थी वो तो दी ही थी, उसके बाद एक और पेशेंट, दो पेशेंट्स तैयार थे, तो रजनी जी जब टाई अप तो टाइम हुआ था लेकिन वो बिजी हो गई। मैंने कहा कोई बात एक नहीं, काम मैं करते हैं, एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम बंद कर देते हैं, एक नया वीडियो ले लेते हैं इनका, नीता सकराल जी का।